स्टूडेंट्स, टुडे आई विल फर्दर कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट ग्राउंड अगेंस्ट दिस मेजर ऑफ अथॉरिटी बाई आवर पॉलिटिकल लीडर्स। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेंड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकिज एक्सपीरियंसेस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक? क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज ए दलित। उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्संस एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ओन grounds of religion, race, caste, gender and place of birth। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑन द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार समानता का मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन ए डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर दैट ए डोमिनेट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। द स्टोरी बोर्ड बिलो डोमिनेट ऑन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। नीचे दिए गए चित्र कथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगेन।
खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं बास्केटबॉल। नो वी विल प्ले क्रिकेट। नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन ए मेजॉरिटी। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर ऑल्सो हियर। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विथ ए शो ऑफ हैंड। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। ही वी वॉन वी वॉन हा हा हम जीत गए हम जीत गए। ऑब्जर्वली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज्यादा है। सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन ऑक्योर इन सोसाइटीज टू वेयर ए मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन दैट इंक्लूड मोनार्टीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट्स। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। एज द एबव स्टोरी बोर्ड इलुस्ट्रेट्स एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टर्निंग ऑफ द मेजॉरिटी। जैसा कि इस चित्र कथापट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी
संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनादर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक यानी इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः यानी इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। दिस मे साउंड स्टैंड बट व्हाट इज मीन्ट वाई दिस इज दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इश्यू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गॉड अगेंस्ट दिस। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। इसे समझने के लिए नीचे के चित्र कथापट को देखिए एंड रीड इट, और इसको पढ़िए। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स एफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश की आस्था है या जिनमें देश आस्था रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन ए डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम सो एक्रिमोनियस दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, और इसलिए अब इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। स्वेप्ट बाय द इमोशन दे मे टू रिलीज लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर
इंटरेस्ट्स। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। फ्रॉम द एबव डिसीजन फॉर द एबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच द एबव पॉइंट्स गेट ट्रांसलेटेड इंटू सर्टेन आइडियल्स एंड रूल्स बाई स्टडिंग सम की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड devoted a great deal of time to imagine and planning what a free India would be like under the British. They had been forced to obey rules that they had very little role in making. Swatantrata Sangharsh ke dauran राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वो उन्होंने तो खुद बनाए नहीं थे
औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rule that would determine its functioning. उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। This was done not by one person but by a group of around 300 peoples who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. और इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था जो 1946 में 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। थैंक यू।